चलिए जी करते हैं स्टार्ट। प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स आईओडीएफ का क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 1.62। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं दिवाकर भगत आप सभी का अपने रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जो यूट्यूब चैनल है उस पर स्वागत करता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको लेक्चर फायदा हो रहा है लेक्चर से, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखें, कंटेंट को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही डीप क्वेश्चन है, आपको बहुत ही दिमाग से इसको सोचना होगा। स्मॉल बॉडी वॉज लॉन्च्ड अप एन इंक्लाइन प्लेन सिट एन एंगल अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री ओके अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल। एक स्मॉल बॉडी है जो कि एक इंक्लाइन प्लेन पे लॉन्च कर रहा है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी दे रखा है कितना 15 डिग्री। सो ये हमारा बॉडी मान लेते हैं, ये इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री है और ये लॉन्च किया ऊपर की ओर। अब यहां पे लॉन्च्ड वेलोसिटी नहीं गिवन है ओके कि किस वेलोसिटी से लॉन्च कर रहा है। आगे देखते हैं, अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द टाइम ऑफ असेंट ऑफ द बॉडी इज 2.0 टाइम्स लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। अब ध्यान से देखेंगे कि यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, मतलब मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है ओके। तो इंक्लाइन प्लेन और बॉडी के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और बॉडी को अपवर्ड मोशन दिया जा रहा है, तो जो इनर्जी गिवेन होगा बॉडी में वो हो सकता है कि ऊपर जाते जाते सारा का सारा फ्रिक्शनल हीट में खपत हो जाए, वो नीचे आए ही ना। तो यहां पे बेसिकली जो स्मॉल बॉडी वाज लॉन्च्ड कह रहा है, ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब यहां पर यह है कि सफिशियंट एनर्जी से ये क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, जिसके कारण ये ऊपर जाके नीचे भी आ रहा है। कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है, कहां से स्टार्ट किया है मोशन, ये नहीं गिवन। तो इसलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि सपोज किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी u होगा ठीक है, किसी टाइम पे ओके, और फाइनल वेलोसिटी जब ये लॉन्च करके टॉप मोस्ट पोजिशन में पहुंच जाएगा तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v फाइनल होगा और ये v फाइनल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ओके, क्योंकि उसके बाद ये नीचे आएगा। तो यहां पे इतना एनर्जी से इसको फेंका गया कि ये ऊपर यहां से यहां तक जा रहा है और सेम डिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये अपवर्ड डिस्टेंस एल जाने का और डाउनवर्ड डिस्टेंस एल आने का। अभी डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों बराबर है ओके। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि ये बॉडी यहां से यहां पे यहां आके रुक जाए, लेकिन छोटा से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जाके वापस आता है और किसी इंस्टेंट में यहां पे इनिशियल वेलोसिटी वीयू है ठीक है, यहां तक हम समझ में आ गया ओके। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, ध्यान से देखें, एफबीडी अगर बनाते हैं हम लोग यहां पे, तो देखिए जब मोशन अपवर्ड होगा ठीक है इंक्लाइन प्लेन में, तब मोशन में जो रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करेगा फ्रिक्शन, वो किधर होगा, डाउनवर्ड। सो दिस फ्रिक्शन इज डाउनवर्ड, मतलब अपवर्ड मोशन के लिए हम लोग लिख रहे हैं ठीक है, अपवर्ड मोशन के लिए ओके। देखेंगे आप बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और इस पे और कौन सा फोर्स लगेगा, दैट इज ग्रेविटी एम जी डाउनवर्ड। इस एम जी को हम दो कॉम्पोनेंट में ब्रेकअप कर लेंगे जैसा कि प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था। सो दिस इज एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन होगा डाउनवर्ड एंड एम जी साइन थीटा पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन होगा डाउनवर्ड। और इस पे जो इंक्लाइन प्लेन है ये एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा एम, सपोज अपवर्ड मोशन के लिए। So, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें लिखना होगा, सो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा ओके, एम जी कॉस थीटा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि मोशन परपेंडिकुलर टू द
इंक्लाइन सरफेस नहीं हो रहा, कोई भी मोशन नहीं हो रहा. वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस इज जीरो. सो यहां पे स्केलर नोटेशन में हम लोग लिख लिए. ओके, नाउ नेट फोर्स एफ जो लगेगा इस केस में, सो दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स. और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू इंटू एन. सो म्यू इंटू एन इज एम जी कॉस थीटा. ये अपवर्ड मोशन के लिए नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस बट डाउनवर्ड. सो एफ डिवाइड बाय एम, सो दिस इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, और ये एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड की तरफ है. ओके, नाउ अगर हम लोग यहां पे, चूंकि यहां पे जो एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, जी कॉन्स्टेंट, एंगल कॉन्स्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं. ओके, एंड वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को भी लगा सकते हैं. ये दोनों वेक्टर इक्वेशन है. अब यहां पे देखिए, यहां पे v इज इक्वल टू यू यू प्लस ए टी है, सो वी कैन राइट हियर u इज इक्वल टू v माइनस ए टी. और इसको अगर यहां पे पुट करेंगे तो वी हैव s इज इक्वल टू v माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. देखिए ध्यान से, ये भी फाइनल वेलोसिटी है. क्या है, फाइनल वेलोसिटी. अब जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो. और ये हमारा वेक्टर है, तो स्केलर में हम लोग क्या करेंगे कि चलिए ये लेंथ जो है एल कवर किया. सो वी कैन राइट हियर एल इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल ले लेंगे, v is equal to zero, so minus half a t square. ध्यान से देखें, यहां मॉडल्स ले लेंगे, so 2L is equal to at square. Now, upward motion के लिए जो acceleration है वो है g sin theta plus mu g cos theta. So we have t is equal to under root 2L over a. a की value यहां पे हम बाद में put कर देंगे. So ये ascent के लिए होगा, ascent के लिए time लगेगा. Okay, now descent के लिए अगर हम बात करें, जब ये नीचे आएगा तो नीचे आने के केस में क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड लगेगा, mg sin थीटा डाउनवर्ड लगेगा. ठीक है, mg cos थीटा ऐसे और नॉर्मल फोर्स ऐसे. तो इक्वेशन अगर हम लोग लिखें, नेट फोर्स, सो एक्सेलरेशन फॉर डाउनवर्ड मोशन, ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू f ओवर m एंड नेट फोर्स इज mg sin theta minus mu mg cos theta. Okay, so we can write here g sin theta minus mu g cos theta. I hope ये चीज समझ में आ गया होगा descent के लिए. Okay, acceleration for descent. अब देखिए, चूंकि ये topmost position पे, फिर ये l पे आएगा, तो initial velocity v जो है वो zero होगा. So we can write here L is equal to half A of D into T square. I hope clear हो गया, क्योंकि U जो है V हो जाएगा और V क्या है, zero. So we have A of descent and T of descent. So we have T of descent is equal to 2L divide by A of descent. यहाँ पे A of ascent लिख लेते हैं. Okay, और ये हमारा क्या हो जाएगा, square root में हो जाएगा. Okay, so, अब यहां से हमारे पास क्या गिवन है कि अगेंस्ट द होरिजेंटल फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू इफ टाइम ऑफ असेंट इज ऑफ द बॉडी इज ईटा टाइम्स लेस देन दैट ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट. सो ये कह रहा है टाइम ऑफ असेंट डिवाइड बाय टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू 1 ओवर
ईटा, ईटा का वैल्यू 2.0 स्पेसिफिक है तो वो मैं बाद में डाल दूंगा, हम लोग डाल देंगे. सो वी हैव टू डिवाइड इट, सो वी हैव टी ए 2L डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ एसेंट, 2L डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ एसेंट मल्टीप्लाई बाय, अगर हम डिवाइड करेंगे इसको TD से तो ये आ जाएगा हमारा AD, ऊपर में आ जाएगा डिसेंट, एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट डिवाइड बाय 2L, सेम डिस्टेंस है, 2L से 2L कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव अंडर रूट A एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ एसेंट. ओके, सो इसको अब हमें सॉल्व करना होगा. सो वी कैन राइट हियर 1 ओवर ईटा स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया हम लोगों ने, ठीक है. सो वी हैव ए डी ओवर ए ए, ए डी डिसेंट के लिए हमारे पास क्या आया था, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. सो वी कैन राइट हियर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. डिसेंट के लिए ये हमारा किसके लिए था, डिसेंट के लिए था. एसेंट के लिए क्या आया था, g sin theta plus mu g cos theta. So we can write here g sin theta plus mu g cos theta. अब इसको हमें arrange करके value of mu find out करना है. तो यहाँ पे देखिए थोड़ा symmetricity दिख रहा है, तो हम लोग कंपोनेंटो और dividendo लगा सकते हैं. So we can write here 1 plus eta square divided by 1 minus eta square. Add किया और एक बार घटा दिया, तो add करेंगे तो g sin theta minus mu g cos theta, add किया तो g sin theta plus mu g cos theta divide by, अब घटाएंगे so we have g sin theta minus mu g cos theta minus g sin theta और minus mu g cos theta, mu g cos theta. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो, कंपोनेंटो और डिविडेंडो मैथमेटिक्स का रेशियो इन प्रोपोर्शन का. यहां से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन माइनस होकर जीरो हो जाएगा और g sin theta प्लस में और माइनस में ये जीरो हो जाएगा. तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे सो वी हैव, ध्यान से देखेंगे, eta स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय eta स्क्वायर माइनस 1, माइनस ले लिया क्योंकि ये माइनस और ये माइनस एड होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 2, ये g sin theta और g sin theta, 2 g sin theta divide by, ये क्या हो जाएगा, 2 mu g cos theta, 2 mu g cos theta. आप यहां पे देखेंगे 2 से 2 cancel, g से g cancel, so mu is equal to, ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, so eta square plus 1 divide by eta square minus 1, so this is equal to 1 over mu tan theta, 1 over mu tan theta. So हमें क्या find करना है, value of mu, coefficient of friction. So we have mu is equal to, ध्यान से देखेंगे, so आ जाएगा eta square minus 1, eta square minus 1 divided by eta square plus 1, okay, into tan theta. अब यहां पे tan theta का ये हमारा coefficient of frictional general value आ गया क्योंकि हमें find out करना था. okay, थोड़ा सा book का help ले लेते हैं, answer एक बार match कर लेते हैं क्या आया है इसमें, 1.62, right, eta square minus 1 divided by eta square plus 1 into tan theta. okay, now यहां पे हमें value, ऐसा value जो है निकला है mu की value जो है, so ये given है mu की value 0.16 ये आ रहा है. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे eta is equal to 2 put करें और tan theta is equal to 10-15 degree का value put करेंगे और calculate करेंगे तो mu का value हमारे पास 0.16 आ जाएगा. देखिए बहुत ही प्यारा सा question था ये, बहुत ही conceptual, क्योंकि देखिए यूरोडॉक का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, मान के चलिए इसका लेवल ही यही है, मतलब शुरू से ही बिनका हुआ है ये, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बस इजी सा क्वेश्चन है कैलकुलेशन कर दे निकल गया एफ इज इक्वल टू एम, नहीं ये नहीं है फिजिक्स, ये मैथमेटिक्स है, मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई एफ इज इक्वल, फिजिक्स क्या होता है, यू हैव टू लर्न द फिजिकल सिचुएशन, क्या फिजिकल सिचुएशन गिवन है और उस फिजिकल सिचुएशन को स्टडी करके हम किस तरह से फिजिक्स लॉ लगाने के बाद मैथमेटिक्स को यूज करके जो भी रिजल्ट है वो हमें फाइंड, ये होता है फिजिकल. ऐसा नहीं है कि कितना बल लगेगा जी कि 2 किलो में 2 किलो मास है और द्रव्यमान 2 किलो है और 2 किलो
दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कोई बॉडी जा रहा था, उसका बल कितना लगा, ये तो नाइन्थ का क्वेश्चन है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस, नॉट नाइन्थ, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स के लिए आपको पूरा सिचुएशन को देखना होगा। थोड़ा सा जिन बच्चों का मैथमेटिक्स थोड़ा सा हल्का टाइट है, हैंड टाइट है, तो उससे मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो है हॉलैंड नाइट का अलजेब्रा का बुक जो है हायर अलजेब्रा उसको देखिए, बहुत ही अच्छा से उसमें थ्योरी दी गिवन है, तो आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ यहां तक, यहां से मैथमेटिक्स हुआ, सारा सिचुएशन हम लोगों ने यहाँ पे डील किया, रिजल्ट निकल गया बहुत ही शानदार तरीके से। आई होप आप एंजॉय करेंगे इस क्वेश्चन को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर जरूर करें, कंटेंट को पूरा देखें, सब कुछ समझ में आएगा। बीच में छोड़ने में, बीच मझधार में छोड़ दिए तो कुछ नहीं होना है। अगर स्टार्ट किए तो खत्म कीजिए। कितने मिनट का वीडियो, 10 से 15 बहुत हो गया, 25 मिनट का वीडियो बहुत होता है, मतलब अगर कोई बहुत लार्ज क्वेश्चन हो गया तो 25 मिनट नहीं तो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये एक क्वेश्चन आईओडब का सॉल्व हो जाता है विद एक्सप्लेनेशन एक एक चीज के साथ। आई होप आप एंजॉय किए होंगे, शेयर कीजिए कंटेंट को, अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी तरह हमारा क्लास धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।